स्वागत है खुशी कोशी ब्लॉग में। तो वैसे तो हम भाई छोटे यूट्यूबर हैं, इतने बड़े नहीं हुए कि किसी के बारे में कुछ बोल सके, पर लेकिन इतना तो है कि जो गलत सही है उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। आजकल यूट्यूब पे एक वीडियो खूब, मतलब दो चली हैं, उनकी बातें खूब वायरल हो रही हैं, खूब दब दब के आपस में चुंडा पाड़ हो चुकी हैं। तो एक सुमन नाम की यूट्यूबर थी, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ था 3 महीने पहले कुछ। तो भाई हमको तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जैसे ये यूट्यूब पे आया तो हमने सर्च मार के देखा तो उसकी थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं। वो 3 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको मोमा में चली गई थी, फिर उसकी डेथ हो गई है। चलो भगवान उसकी उसकी आत्मा ने शांति दे, हमारा फर्ज नहीं बनता उसके बारे में कुछ भी बोलने का, लेकिन हमको जानते ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे। तो उसकी डेथ हो गई। अब तो उसकी डेथ को लेके दो हैं, एक तो उर्वी ब्लॉग्स, एक और दूसरी है सीमा, विद सीमा लाइव विलेज नाम स्टाइल का कुछ नाम है, सीमा नाम ब्लॉग का। तो ये दोनों खूब लड़ रही हैं आपस में, खूब लड़ रही हैं, तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही बात करवा दी कि दो लेडीज पास में बैठेंगी तो लड़के उठेंगी, तो उन्होंने वही काम करा दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई बात नहीं भाई, उसकी डेथ हो गई तो उसकी आत्मा को शांति दे, हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, या तुम लड़ क्यों रही हो ये समझ में नहीं आ रहा। व्यूवर्स आने होंगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो तुम्हारी व्हाट्सएप पे बात होती थी दोनों की, तो उसको अपना पर्सनल रखो, ऐसे सबके सामने शेयर क्यों करो, तुम आपस में ही लड़ भिड़ दो ना, सबको क्यों बता रहे हो, सबके सामने क्यों एक दूसरे को बुरा भला कर रही हो। तुम्हारी छवि अच्छी है यूट्यूब पे, जैसे भाई तुम खूब अच्छे से सामने पेश आ रहे हो, तुम्हारे से ब्लॉग चल रही हैं, तो फिर लड़ने से क्या तुम्हारी दोनों की छवियां खराब हो रही है। मैं तो यही बोलूंगी दोनों की, ऐसा मत साबित करो लोगों के सामने कि सच्ची में औरतें चुंडा पाड़ती है पास बैठती है, तो उस दिन तो फ्रेंड बनेगी और फिर खिंचा खिच्ची हो जाती, बालों की लड़ने लग जाती बुरी तरह से। तो ये सब गलत है प्लीज। अब उनके परिवार वाले देखेंगे, जिसके जो क्या नाम उसकी डेथ हुई है, सुमन नाम जिसका ब्लॉगर था, तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे घर में से डेथ हुई, ये दो बेकार में लड़ रही है यूट्यूब पे आके, ये अच्छी बात नहीं है प्लीज़। किसी की डेथ होती है, किसी को दुख पड़ता है, उसका सहारा नहीं बन सकते, तो भाई प्लीज़ ऐसा हंगामा भी मत क्रिएट करो कि लोग परेशान हो जाए सब देख देख के ये क्या हो रहा है यूट्यूब पे। और फिर वही बात है ना, तुम सबको देख के और घर वाले भी कहेंगे कि बहुत बड़ा पंगा, बंद करो बंद करो, सब पे प्रेशर भी बन जाएगा ये भाई, ये तो बहुत बुरी चीज़ है, ये साबित हो जाएगा यूट्यूब पे। तो प्लीज़ ऐसे मत लड़ो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो लड़ो भी मत, अपने आराम से अपने यूट्यूब, तुम्हारा खूब अच्छा भाई ब्लॉग चल रहे हैं, खूब अच्छे व्यूवर्स आते हैं, तो फिर तुमको किस चीज़ की कमी है, है किसी चीज़ की कमी, प्लीज़ बताना कमेंट्स में। इन दोनों के ब्लॉग खूब अच्छे चलते हैं, खूब अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो फिर भी ऐसे हंगामा बचा रखा, पता नहीं क्या लूट गया है इनका। तो मैं दोनों को बोलना चाहती हूँ प्लीज़, सीमा को भी और उर्वी वाले को भी, ब्लॉग वाले को भी, प्लीज़ ऐसे मत लड़ो, ऐसे वाहियात की बातें मत करो, ऐसे गंदे शब्द भी यूज मत करो कि देखने वाले फिर औरों पे प्रेशर बना दें, बंद करो बंद करो, ये कमाई का साधन है सबका, सब आए हुए हो, तुम तो सक्सेस हो चुकी हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम तो तुम्हारी छवि तो बिल्कुल अच्छे सामने से लोगों के सामने खूब अच्छे से आई हुई है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। 2 दिन हो गए, रोज डेली जैसे सीमा लाइव आती है, वो वीडियो डाल रही है, वो भी एक दूसरे के खिलाफ खूब जा रही है, आप सब लोग देख रहे हैं, तमाशा है ये, कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे तुम दोनों कितनी भी सच्चाई है साबित कर लो, लोगों को तो झूठ ही लगेगा, सब बोलेंगे फेक है, ये व्यूवर्स पाने के लिए कर रही है, लेकिन ये फेक तो नहीं है, तुम लड़ रही हो, बुरा लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अपनी भाई जैसे डेली रूटीन है, अपनी जो घर में हलचल हो रखी वही तो ब्लॉग होते हैं, वही तो सबको डालने होते हैं, ये थोड़ी होता है कि तुम रोज़ लड़ोगे ऐसे यूट्यूब पे आके, अच्छा नहीं लगता। बहुत 2 दिन से देख रहे हैं, बहुत दिमाग में खलबली मची हुई है, देख देख के अच्छा नहीं लगता, फिर हमारे भी प्रेशर बन जाएंगे, ये तो लड़ती हैं, ये तो उड़ते ऐसे, मतलब बेकार साबित हो जाएंगे सभी, एक दो तुम दोनों की वजह से सब धस जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत। तो भाई थारी इन बातें तैना तवा जिंदा हो भाई, वापस आ जाएगी उठ के, और ना तुमने कोई फ़ायदा होना, थोड़े बहुत दिन चल जाएंगे ये भी बरसाणते ही, थोड़े बहुत दिन चल जाएंगे तुम्हारी ये बातें, अच्छा नहीं है। चलो सीमा की फ्रेंड थी पहले, तो सीमा तेरी फ्रेंड थी, तो फिर
और जब उर्वी ने उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दिया तो थोड़े सावन तरह दिन दिन थोड़ी वीडियो बना दी तरह जलन की हुई और बाण तन क्यों जलन हुई तो वापस में खूब जलन लग रही हो। वो बेचारी जिस दुनिया ने छोड़कर जा चुकी है तो उसका के जिक्र है ये उसकी अच्छी नहीं कह सकते। तो तुम आपस में लड़ बैठ कर क्यों बुरा बन रही हो आपस में, अच्छी बात है या कोई क्यों थोड़ी साबित करना चाहो सच्ची हो तो लड़नी बैठनी होती बैठ उड़े चुगली जी तो बैठ जाए उड़े लड़के उठेंगी। तो प्लीज ऐसा मत करो, आराम तो अपने अपने घर में रहो। और तुमने के मतलब पड़ी बेचारी उसकी डेथ हुई है तुमने इसका मतलब तो ऐसा काम कर दिया यूट्यूब पर पूरी मतलब कि पूरी दुनिया के सामने खोलन लग रहे आपस में लड़ रहे तुम अपनी ये बताने लग रही हो खोल खोल लड़का ने अपनी बात नहीं उसका कुछ नहीं जाता जो बेचारी की डेथ होगी जो मर गई है वह तो जल दुनिया छोड़ गए तुम नू सोच दो थारा के इज्जत रहेगी लोगों के सामने थारी के छवि बन लग रही है। प्लीज़ मत लड़ो दोनों ना कहूँ आज तय अब तय अभी से इस लड़ाई ना बंद कर दो क्यों तुम अपनी शांति बंकन लग रही हो बेकार में। तो मैं यह कहना चाहूँगी सबने भाई एक सुमन नाम की ब्लॉगर थी उसकी डेथ होगी तो ये दो जने लड़न लग रही हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो दोनों ने कहना चाहूँ अपने आराम तक अपने अपने घर में रहो और थारे के घर में आदमी को ना आगे पाछे या भाई कोई और छोटा बड़ा कोई को नहीं जो थोड़ा समझा दे भाई मत लड़ो। पता नहीं कैसे सारे घर वाले हैं समझ में भी नहीं आ रहा बेकार में सबके सहमी अच्छी गुंडी होने लग रही तुम दोनों जनी मैं तेरे पत्ते खोलूंगी मैं तेरे पत्ते ना तुम एक गांव की ना गवांड की ना इतनी दूर दूर से तुम बसल ना है दोनों की दोनों जानी और सारे चुंडे पाटन ना हो रही है अच्छी बात नहीं लगी ये जैसे तुम यूट्यूब पे आके ऐसा भाई दिखा रही हो ये सब अच्छा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि जब किसी के साथ बुरा बन जाए ना भाई तो उसका हमें हंसी मजाक नहीं करना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं भाई हम उसकी सहायता नहीं कर सकते तो उसके बारे में हमको बोलने का भी कोई हक नहीं है। तो जी उनके घर पर के भी त्री होगी सब ने भाई जिसे जिसके साथ जो कहानी बन जाए उन्होंने मेरा पाटा के हुआ है बात के दर्द हो गए है अर्थ हम बेकार उसका मुद्दा उठा कर ना लोगों ने पागल बना रही हो दोनों के दोनों चलो एक बोल पड़ी दूसरी चुप हो जाए क्या गवार लेकिन लोग तो सोच जाएंगे जान जाएंगे अपने आप या झूठी है दूसरी कुछ नहीं बोल रही थम दोनों आपस में कति मारन हो रही हो जानते मन दिशा लगा थम दोनों शहमी आ जाओ दोनों जनी आपस में मार दो अरे जे थारे घर वाले लग गए मन तो थारा साथ दे रहे हैं। चलो तो जी फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बस ये बात मेरे सामने आई थी दो दिन से बहुत परेशान थे देख प्लीज़ आगे से ऐसी वीडियो मत डालना दोनों को बोला जा रहा है अब। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब तक मुझे राम राम। Thank you.